वेलकम बैक फ्रेंड दोस्तों, नमस्कार। स्पेशल वीडियो होने वाले हैं यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर के लिए, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आप सभी को पता है कंटिन्यू एग्जाम आपका जो है चल रहा है 12 तारीख से, ठीक है। फर्स्ट फेज वन फेज टू समाप्त हो चुका है, फेज थ्री एग्जाम होने वाला है। तो भैया फेज थ्री वाले एकदम ध्यान से देना, वीडियो को अच्छे से देखना, और जो फर्स्ट फेज वाले के जिनका एग्जाम हो चुका है और सेकंड फेज वाले जिनका हो गया वो भी ध्यान से वीडियो को देखेंगे। जो नए बच्चे होंगे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। इसके पहले फर्स्ट फेज वन और फेज टू दोनों के ऊपर कटआउट के ऊपर वीडियो डाल दिया हूँ, अभी थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड हुई थी, उसको जाके देख लेना, लिंक नीचे दे दूंगा। और ओवरऑल एक वीडियो बताए थे, और जैसे थर्ड फेज का एग्जाम खत्म हो जाएगा एक वीडियो और हो जाएगी, तो जो कटआउट है आपको पूरा क्लियर पता चल जाएगा, कितनी कम जाएगी कितनी ज़्यादा जाएगी सब कुछ क्लियर कर देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप सभी को पता है भैया 40-40 प्रश्न सभी सब्जेक्ट में आने हैं। आप सभी को पता है 40-40 प्रश्न जो है सभी सब्जेक्ट में आ रहे हैं, और चाहे हिंदी हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, या फिर जीके हो, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें मूल विधि भी है, ठीक भैया। तो आप सभी को पता है इस बार पेपर बहुत बच्चों को रुलाया है, बहुत से बच्चे कह रहे थे पेपर आसान है, पेपर आसान है, फिर भी लोग 120 से करके आ रहे हैं, और जिनको बोल रहे हैं 120 सही है उनसे नहीं, उससे नीचे भी इनका सही होगा। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं 140 है, तो भैया इनका गलत होके पहुंच आएगा, कम से कम 110-105 पे ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको लगता है सही है लेकिन बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन होके गलत किए हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए बहुत से ऐसे कैलेंडर क्वेश्चन उसमें घुमाया है, वन लाइनर क्वेश्चन है लेकिन घुमाया बहुत है। वन लाइनर क्वेश्चन के एग्जाम्पल का मतलब ये है, एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछ लिया आज मंगलवार है तो 40 दिन पहले कौन सा दिन होगा, सोचो। बहुत से बच्चे याद करके गए होंगे, रटे होंगे एकदम, मतलब एक होता नहीं कि रट के जाओ कि चलो ठीक है आज मंगलवार है तो 40 दिन बाद कौन से दिन, बाद मतलब आने वाला दिन, पहले यहाँ पे पूछ दिया इसका मतलब पहले, तो सोचो इसी में क्वेश्चन बहुत से बच्चों का गलत हो गया है, सिली मिस्टेक इसको कहेंगे, ठीक है। छोटी छोटी गलतियाँ हैं ये आपके ढाई नंबर को यहाँ पे हट, यानी ढाई नंबर आपका कम हुआ है इसके कारण, छोटी छोटी गलतियाँ की वजह से। फिर उसके बाद आप लोग मिलाते हुए आंसर की जाती है तो पता चलता है अरे भैया इतना हम करके आए थे, हमारा हम 140 करके आए, पहुँचाए 105 पे, 102 पे पहुँचाए, 100 पे पहुँचाए, तो ऐसा होता है। इस बार भी कटआउट आपकी ज़्यादा नहीं जाएगी, और इस बार भी कटआउट आपकी ज़्यादा नहीं जाने वाली, वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, दिखा चुके हैं कटआउट उतनी जाएगी, उससे कम जाएगी, जितना बताएं उससे कम कटआउट जाने वाली है, उसके ऊपर वीडियो बन चुकी है, बिल्कुल भी उससे ज़्यादा कटआउट कतई नहीं जाने वाली है, देख लेना, ठीक है। बहुत कम कटआउट जाने वाली, क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है सेशनल में बहुत से बच्चे बाहर होने वाले हैं, वो खासकर स्पेशल जीके में, स्पेशल जीके में बाहर होने वाले हैं, क्यों? क्योंकि 14 प्रश्न ही बच्चे, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आप लोग को लगा होगा कि तुक्का मार के आ जाएगा, कतई तुक्का मार के कोई सधा नहीं सकता कितना कि आपका सही हो सकता है, जब आपको आएगा तभी तो आप लोग मारोगे, क्योंकि क्वेश्चन एक लाइन का पूछ रहा है, क्वेश्चन जो आपका भर रहा है वन लाइनर के फॉर्म में भर रहा है, लेकिन बहुत से बच्चे वन लाइनर ही क्वेश्चन नहीं कर पाए। जैसे 25 तारीख को पूछा था विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता, सोचो हाथ धुलाई, आपको आप लोग पढ़े होंगे विश्व हाथ धुलाई का दिवस मनाया जाता, नहीं ना, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, छोटा क्वेश्चन बिल्कुल भी एकदम कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन, तो इसमें गलत होगा ढाई नंबर आपका कटा, मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब ढाई नंबर तो आपको बर्बाद हो गया ना, ये बात कह रहे हैं। तो इस बार एग्जामिनर ऐसा ही किया है, आप लोग को एकदम से परेशान किया है। 2017 में टप जी के आई थी, मानते हैं टप जी के आई थी, लेकिन बहुत बड़े बड़े जी के उसमें पूछे थे लाइनर में, ठीक है, बहुत बड़े बड़े लाइनर में 3-4, 5-5, 6-6 लाइन में क्वेश्चन पूछा था, लेकिन इस बार का काम किया गया, इस बार एक लाइन दे दिया और बच्चे सब हो गए खुश। एक लाइन का मतलब ये नहीं कि जरूरी है कि आपको क्वेश्चन आता ही हो, तो भैया इसमें गलती क्या हुई है? तो जैसे मुझे बंगाल का विभाजन कब हुआ था, हाँ राज्य कब बना, डेट पूछ लिया, ऐसे ऐसे पूछ रहा है क्वेश्चन को, तो आप लोग इसको अंदर से नहीं पढ़ोगे, धारा के अंदर से धाराएं पूछ रहा है, धाराओं के अंदर से धाराएं पूछ रहा है, और आर्टिकल में सब आर्टिकल पूछ रहा है, आर्टिकल के अंदर आर्टिकल, आर्टिकल 19 है तो 19 का खा में क्या है, 19 के बा में क्या है, ये सब पूछ रहा है। तो बहुत से बच्चे रटे जो हैं, तो यही सब छोटी छोटी क्वेश्चन वन लाइनर है, बच्चे गलतियाँ बहुत किए हैं, देख लेना। जीके में बहुत ज़्यादा बच्चे आउट होने वाले हैं, जीके में आउट होंगे लगभग 3.5 से 4 लाख बच्चे जो है इसी में चले जाएंगे। और बात करते हैं मैथ में, मैथ में कैलकुलेटिव था उसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर होने वाले हैं। आप लोग 350 नंबर मारे होंगे या फिर 360 नंबर मारे होंगे, 360 नंबर कोई कैंडिडेट मारा होगा, अगर उसका किसी सब्जेक्ट में वीक है, अगर सेशनल भी नहीं क्वालिफाई कर पाया होगा किसी सब्जेक्ट में, तो भैया फेल है, फेल कहने मतलब पूरे वैकेंसी से बाहर है, ठीक है। तो ऐसे 2017 में भी हुआ था, इस बार सेम वही पैटर्न सब कुछ हुआ। 2017 में दिया गया था लाइन बाई लाइन, कम से कम 4-5-6 लाइन में क्वेश्चन पूछा था, इसमें भैया सिंपल एक लाइन में क्वेश्चन पूछा, लेकिन पूछने का क्वेश्चन उसका इतना ज़बरदस्त है, कॉन्सेप्ट क्या बताऊँ, पूछने वाला एग्जामिनर ने जो इस क्वेश्चन को बनाया है
टोटल बच्चों को एकदम कंफ्यूजन करके रख दिया है, एकदम कंफ्यूजन बच्चे हैं कि पढ़ें तो पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, किस जगह पर से पढ़ें जो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। क्योंकि आज ये क्वेश्चन पूछ रहा है ए तो कल उसका पैटर्न बदल जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल पे आप लोग को पता होगा, सम्मेलन से क्वेश्चन आ रहे थे, 25 तारीख आते आते क्वेश्चन ही नहीं मिला। किसी शिफ्ट में 4 प्रश्न दागे गए तो किसी शिफ्ट में 2 प्रश्न, फिर किसी शिफ्ट में 0 प्रश्न, किसी शिफ्ट में 1 प्रश्न, ऐसे ऐसे आया। तो सोचो एग्जामिनर एकदम इतना गजब सेट किया है, क्वेश्चन लाइन वन और टोटल बच्चे कंफ्यूज, दिवस पूछ रहा है, दिन पूछ रहा है, ऐसे ऐसी सारी चीज़ पूछ रहा है एक लाइन में ना, आप लोग पढ़े भी नहीं होंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन किस किस जगह से पूछ रहा है। वो क्वेश्चन छोटा है लेकिन बच्चे कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसी में कि भैया इसमें जीके में बहुत से बच्चे इस बार आउट होने वाले हैं, लिख के ले लेना, ठीक है, आउट होने वाले हैं जीके में। आप 350 नंबर मारे होंगे तब भी कोई काम करें, 350 नंबर, और 280 नंबर मारेंगे कोई काम करें, अगर एक सब्जेक्ट में फेल तो मतलब पूरे वैकेंसी से आप लोग बाहर हो जाओगे, ठीक है। आंसर की 15 दिसंबर तक आंसर की आ जाएगी, आंसर की तक शांत रहो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद सब कुछ बता दूंगा किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, आंसर के आने के बाद सब कुछ यहाँ पे लाइव प्रूफ आपको दिखा दूंगा सारी चीज़ें, ठीक भैया। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। यही बात थी कि बच्चे कन्फ्यूज हो गए, और जो जिनका थर्ड थर्ड फेज में एग्जाम भैया 27 तारीख को जाना, आराम से कोशिश करना जीके में सेशनल कैसे भी करके हाथ पाँव मार के सेशनल निकाल लेना, बस जीके में आप लोग सेशनल निकाल लो, उसके बाद मैथ में सेशनल निकाल लेना, और कोशिश करना हिंदी जो हिंदी है उसमें हिंच देना नंबर, और आपका जो है रीजनिंग में नंबर को हिंच देना, ठीक है। कोशिश करना आपका आपका 105 प्रश्न सही हो रहे हैं या फिर 120 110 प्रश्न सही हो रहे हैं, इतना करके आ जाओगे 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लिख के ले लेना, ठीक है। सिलेक्शन आपका बहुत ही आराम से हो जाएगा। वीडियो यही बनानी थी, कंफ्यूजन मत होना, क्वेश्चन में हाँ नहीं उसमें पूछता है, और याद रखना आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी और आपको दे दें, ABCD में याद रखना, एग्जामिनर ऑप्शन भी चेंज कर दिया, ठीक है, A, B, C और D, ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए ABCD, उसमें जैसे मान लीजिए ए में दे दिया डी, और बी में दे दिया सी, और सी में दे दिया ए, और यहाँ पे डी में दे दिया बी, ऐसे ऐसे करके दे रहा है। तो कथन निष्कर्ष में बहुत सारे ऑप्शन में ऐसे ऐसे बच्चे बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आया था, ऐसे ऐसे करके फंसा रहा है, तो आप लोग वहाँ पे टिक किए जल्दी से, ऐसा ही है तो भैया ए मार दिए, ए मार दिया, आप लोग देख नहीं रहे यहाँ पे डी लिखा हुआ है, डी डी लिखा हुआ है, कहने का मतलब ये डी सही हो जाएगा। आपका जो ए मार रहे हो ए वाला तो यहाँ पे है, ए वाले ए है, ए वाला इसको मारना पड़ेगा, आपको पूरा ऑप्शन देखना पड़ेगा, ऑप्शन में कहाँ ABCD लिखा है उसको देख के टिक करना होगा, तभी आपको सही होगा, नहीं तो इसमें भी बच्चे बहुत बाहर हुए हैं, इसमें भी सिली मिस्टेक बहुत बच्चे किए हैं, तो भैया इसमें जवाब बहुत ज़्यादा बच्चे बाहर होने वाले हैं। थर्ड पेज वाले अच्छे से ध्यान से देखना वीडियो को, देखने के बाद प्लीज़ अच्छे से देख के जाना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाना, जो भी बच्चा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा 100% उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये आपको बतानी थी, सतर्क होकर जाना, क्वेश्चन जितने हैं सेशनल को क्वालिफाई करना, और सबसे पहले क्वेश्चन को किसको करना है, सबसे पहले हिंदी करना है, उसके बाद जीके को करना है, उसके बाद फिर रीजनिंग करना है, देन उसके बाद मैथ करना है, ठीक है। यही आप लोग ट्रिक अपनाओगे तो आराम से कर जाओगे। कोशिश करना हिंदी में बचा लो, क्योंकि हिंदी बहुत ज़्यादा ईजी आ रहा है, हिंदी में ज़्यादा टफ नहीं है, रीजनिंग भी आपका स्कोर बहुत बढ़िया जाएगा, और कोशिश करना सेशनल मैथ में पास हो जाओ, सेशनल जीके में पास हो जाओगे तो आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको वीडियो में बतानी थी, जानकारी ले लेना और इसको सुन लेना अच्छे से, उसके बाद पेपर देने जाना, ठीक भैया। बाकी एडवांस बेस्ट ऑफ लक थर्ड फेज वाले के लिए, अच्छे से एग्जाम एग्जाम देना, आप लोग आराम से पास हो जाओगे, ठीक। बाकी ये सारी चीज़ थी बतानी थी भैया, इसमें बहुत से बच्चे बाहर होने वाले हैं, सेशनल कट ऑफ भी नहीं क्वालिफाई करेंगे, बहुत से बच्चे जो बोल रहे हैं 140-40 किए हैं, देख लेना उनका सही नहीं होगा, ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं 140, ठीक है, 140 बहुत होता है, क्वेश्चन ऐसे ऐसे आ रहे हैं, एक एक लाइन का नहीं कर पा रहे बच्चे, तो सारी जानकारी थी देनी थी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, धन्यवाद।